झारखंड के रामगढ़ में बड़ा ही अनोखा विरोध प्रदर्शन का नजारा देखने को मिला, जहां जर्जर सड़क के विरोध में ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिला। आक्रोशित ग्रामीणों ने सीएम, सांसद और विधायक का पुतला फूंक डाला, कहा रोड नहीं तो अब की बार वोट नहीं। मतकमा चौक से ओरमांझी तक जाने वाली सड़क की जर्जर स्थिति और जल जमाव से परेशान ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। शनिवार की सुबह तकरीबन 8 बजे से ग्रामीणों ने मतकमा से चिकोर सड़क को लादी मोड़ पर बैरिकेटिंग लगाकर जाम कर दिया। इस दौरान हाथों में तख्तियां लेकर बड़ी तादाद में महिला पुरुष और स्कूली बच्चों ने राज्य सरकार, स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वह यातायात व्यवस्था से आक्रोशित लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सांसद जयंत सिन्हा और विधायक अंबा प्रसाद के विरोध में नारेबाजी करते हुए पुतले पर कालिक पोत कर उन्हें फूंक डाला। आप ग्रामीणों के विरोध के नजारे को देख सकते हैं कि हर उम्र के लोग सड़क पर उतर कर विरोध व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, सड़क पर उतर कर स्कूली बच्चे भी किस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं और स्कूल ड्रेस में खुद श्रम दान कर सड़क को साफ करते हुए अनोखे अंदाज में प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए अपनी व्यथा को सुनाते हुए क्या कहा, आप सुने। उन्होंने इस बार वोट के बहिष्कार का भी मूड बना लिया है। उन्होंने कहा कि अगर मतकमा चौक से चुट्टू पालू तक का सड़क का निर्माण नहीं किया जाता है तो हम इस बार वोट का बहिष्कार करेंगे और किसी को भी वोट नहीं देंगे। आपको बता दें कि सड़क का शिलान्यास पिछले साल नवंबर में ही हो गया है, लेकिन काम काफी समय से रुका हुआ है। इधर सड़क जाम और विरोध प्रदर्शन की जानकारी पर पतरातू वीडियो पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए स्थिति को देखते हुए सड़क पर वाटर लॉकिंग कर गड्ढों को मोरम से भरकर चलने योग्य बना देने का आश्वासन दिया, तब जाकर यह जाम हटा और मामला शांत हो पाया।